नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को, और बिहार करंट अफेयर्स सीरीज की ये सितंबर महीने की ये वीडियो है और सितंबर महीने की ये पार्ट वन है, क्योंकि ये पार्ट में इस महीने में भी, सितंबर महीने 2023 में भी, हम लोग तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट आप देख रहे हैं, बाकी जो प्रीवियस अगस्त महीने का अगर करंट अफेयर्स नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपके फोर्थ कमिंग बीपीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये जो सीरीज है आपको मेंस प्रीलिम्स दोनों में ही काम रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते चलिए, आपको नोट्स प्रैक्टिस हो जाएगा बनाना। ठीक है, बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा पढ़ते समझते समझते। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और बाकी के अगर वीडियोज नहीं देखे तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें हम लोग जो कंटेंट्स पढ़ेंगे तो ये सात टॉपिक से अलग अलग जिसको हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक को। पहला टॉपिक है हमारा कि प्लान टू सेटअप अ कंप्यूटर लैब्स इन 10,000 स्कूल्स ऑफ द स्टेट। तो बिहार गवर्नमेंट जो है, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि ये 3 सितंबर टीचर्स डे के आसपास वाला न्यूज है, ये पुराने साल का, ये मैं बता दे रहा हूँ बार बार, 2023 का बात बोल रहा हूँ। तो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज सेट अ प्लान टू सेटअप अ कंप्यूटर लैब्स इन 10,000 गवर्नमेंट स्कूल्स। जो सरकारी स्कूल्स है बिहार में, 10,000 ऐसे स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के पाठक, आप देखते होंगे न्यूज में बहुत ज्यादा वायरल रहते हैं। ठीक है, तो वो सारे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर्स को ये आदेश दे चुके हैं कि हर सरकारी स्कूल में 10,000 लगभग स्कूल्स में वहां पर कंप्यूटर लैब्स बनाया जाए। और ये प्राइमरीली किन किन बच्चों के लिए, तो क्लास 6 से लेकर 8 के बच्चों के लिए। ठीक है, और उनसे सेकेंडरी लेवल के लिए भी है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए भी, लेकिन प्राइमरीली 6 से 8 बच्चों के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। और जो क्लासरूम्स होंगे, कंप्यूटर लैब्स जो होंगे, वो 20 कंप्यूटर लैब्स, मतलब 20 कंप्यूटर्स होंगे एक लैब्स में, ये बताया गया है। और जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर 10-10 होंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और कंप्यूटर सिस्टम बहुत कम है, तो कितना सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन कोशिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, अभी फर्स्ट फेज का लागू हो रहा है, जिसमें 4,707 स्कूल्स में ये किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा कंप्यूटर लैब्स, और वहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाएगा, कंप्यूटर एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह मिलेगा। तो ये बेनिफिट, मतलब ये मेन प्रपोजल रहा है, जिससे लगभग 75 लाख स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनको कंप्यूटर नॉलेज आएगा और बाकी का वो काम भी सीख सकते हैं, है ना, कंप्यूटर ट्रेनिंग से। तो ये था न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड न्यूज़ पे आ जाएंगे, वो है जीविका दीदी की रसोई। ये बहुत देखे होंगे न्यूज़ में, दीदी की रसोई स्कीम स्टार्टेड इन 6 मोर हॉस्पिटल्स। ये जो दीदी की रसोई स्कीम है ये 2018 से ही चलते आ रहा है ना, तो ये 6 मोर हॉस्पिटल्स में भी और बढ़ाया गया है। तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर उस समय में तेजस्वी प्रसाद यादव ने लॉन्च किया जीविका दीदी की रसोई, और ये जो 4 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स है और 2 मेडिकल कॉलेजेस में भी ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और ये जो 4 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स है वो कौन कौन से हैं, तो राजगीर, दानापुर, धमधमा एंड फोर्ब्स कम्स, इन 4 सब डिविजनल हॉस्पिटल में ये दीदी की रसोई स्टार्ट किया गया है। और 2 मेडिकल कॉलेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज जो कि मधेपुरा में है, एंड भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नालंदा, ये 2 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में भी ये स्टार्ट किया गया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है ना दीदी की रसोई में, कि कम लागत में बहुत पौष्टिक आहार मिल सके जो भी मरीज है, और साथ ही जो मरीज के साथ में जो रिलेटिव्स आते हैं उनकी देखभाल करने या उनसे मिलने के लिए, उनको भी कम रेट पे शुद्ध खाना मिल सके। ठीक है, तो यही मेन ऑब्जेक्टिव रहा है, बीमार ना पड़े। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि अ टोटल 106 जीविका दीदी किचन जो है अभी चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है विद द हेल्प ऑफ वेरियस कोलैबोरेशन। बहुत सारे एनजीओज, प्राइवेट कंपनीज भी इसमें डोनेट करती है, फॉरेन डोनेशंस भी आते हैं। ठीक है, तो इससे जो काम कर रही महिलाएं हैं वहाँ पर,
दीदी की रसोई, जो दीदी लोग काम कर रही है उनको भी बेनिफिट्स मिल रहा है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनको भी अर्निंग्स जनरेट कर पा रही है, और साथ ही साथ में जो पेशेंट्स हैं उनके रिलेटिव्स उनको क्लीन एंड हाई क्वालिटी फूड भी मिल पा रही है। और जैसे मैं बताया 2018 से ही ये चल रहा है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन कमिटीज के थ्रू, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कौन कौन से हॉस्पिटल्स में दीदी के रसोई की रेसिपी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये पता होना चाहिए। आते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक क्या है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट रिलीज्ड बुकलेट ऑफ न्यू ड्रग पॉलिसी इन द स्टेट आफ्टर 27 ईयर्स। तो ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 27 साल बाद आ रहा है न्यू ड्रग पॉलिसी इन बिहार, ठीक है। तो डिटेल्स यही है कि जो नीड बेस्ड अवेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है, जिसको EDL भी कहा जाता है, ठीक है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, ठीक है, ड्रग लिस्ट, और साथ ही साथ में जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होती है सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंश्योर किए जाएंगे, और जितनी नीड होगी उतनी ही। पहले क्या होता था, कोई मापदंड कुछ नहीं होता था, कितना भी दवाई मंगवा लिया जाता था, ठीक है। तो बहुत बार कभी होता था शॉर्टेज हो गया, या बहुत बार क्या होता वो रखे रखे क्या हो एक्सपायर हो जाता था, और बहुत बार क्या बिना एक्सपायरी चेक किए ही लोगों को दे दिया जाता था, जिनके कारण मौत भी हो जाती थी बहुत सारे पेशेंट्स की, या खराब हालत हो जाती थी। तो ये भी क्या किया जा रहा है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपायरी एंड डैमेज ऑफ मेडिसिन विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा मिसयूज होता रहा है, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और मेडिकल इंचार्ज जो ऑफिसर होंगे हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कॉलेज के, उनको ये जो नीड बेस्ड मेडिसिन है, जिसको EDL मेडिसिन कहा जा रहा है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, ठीक है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा, और एडवांस में ही उनको मंगवा के रखना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना आ जाए। तो ये काम जो है इन्हीं का काम है, ठीक है। फिर साथ ही साथ में ये डेट भी फिक्स किया गया है फॉर डिमांड फॉर द मेडिसिन। मान लीजिए आपको अप्रैल मई जून का दवाई चाहिए, तो आपको जनवरी 1 से जनवरी 10 के बीच में ही डिमांड जो है वो लिस्ट बना के भेजना पड़ेगा, EDL लिस्ट बना के हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा, वहाँ से अप्रूव करा के, और दवाई जो है 3-4 महीना पहले ही एडवांस में लेकर रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड अलर्ट ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन विल बी सेट इन द सेंट टू द इंचार्जेस, और जो खराब हो चुकी दवाइयाँ उनको किस तरह से, उनको जो खराब हो चुकी है उनका मिसयूज ना हो, है ना, क्योंकि वो खराब हो गया है तो मतलब वो जहर बन चुका है एक तरह से, तो अगर उसका सही तरह से उसको फेंकना पड़ेगा, उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा ताकि गलत हाथों में ना आ जाए। तो ये भी किसका है, तो वो सुपरिटेंडेंट मेडिकल इंचार्ज इनका ही दायित्व रहेगा, ठीक है। और ये जो है थ्रू SMS व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू ये सब कंटैक्ट किया जाएगा। तो ये ड्रग्स पॉलिसी का मेन मेन क्रक्स था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हर्ष बिकम्स जूनियर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर के। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हर्ष इनका पूरा जो नाम है हर्ष राजपूत, तो यूट्यूबर या सोशल इन्फ्लुएंसर से कंपेयर मत कीजिएगा, ये जो है बिहार बाल भवन किलकारी इंस्टीट्यूट के हैं एंड सेलेक्टेड फॉर जूनियर ब्रांड एम्बेसडर इन IIT पटना, ठीक है। तो ये चाइल्ड प्रोडिजी वाला केस है, रिसर्च स्कॉलर डे पे जो हर्ष राजपूत को मेनली फर्स्ट पोजिशन मिला था, ठीक है। और ये जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिला है इसरो में पार्टिसिपेट करने के लिए, फिर नासा से द्वारा बहुत सारे जो वर्कशॉप्स होते हैं वो भी किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है उनको IIT पटना का जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और इनकी उम्र 15 से 16 साल की उम्र है, ठीक है। तो हिज प्राइमरी जॉब क्या है, टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। तो इसको प्रमोट किया जाए, इनोवेशन लाया जाए, रिसर्च डेवलपमेंट पे काम किया जाए, फिर एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के फील्ड में आ सके। तो ये इस तरह से ये न्यूज है। तो हर्ष राजपूत इनका नाम है, जूनियर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIT पटना, ये भी नाम इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि वेटलैंड मित्र केयर टेकर विल बी सिलेक्टेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ वेटलैंड्स इन बिहार, ठीक है। तो पता होगा वेटलैंड्स वैसे एरियाज होते हैं, लो लाइंग एरिया, जहाँ पर साल के मैक्सिमम दिनों में पानी जमे हमेशा जमा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, तो सितंबर 10 को ये कहा गया कि हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा 45 ऐसे वेटलैंड जो बिहार में प्रेजेंट है, और उसके लिए जो वेटलैंड मित्र यानी जो केयर टेकर्स हो के वेटलैंड्स के, वो भी सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 45 वेटलैंड स्प्रेड ओवर 10,778 एकर्स इन 10 डिस्ट्रिक्ट में इनका हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा,
ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एन एक्शन प्लान फॉर द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, सही तरह से इसका यूटिलाइजेशन हो सके और इनको रामसर साइट्स में कंसिडर किया जा सके इनको, इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कौन कौन से 10 डिस्ट्रिक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और बक्सर। सबसे ज्यादा जो वेटलैंड है एट प्रेजेंट इस लिस्ट में वो है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो 11 है, ठीक है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 3,910 हेक्टर्स, ठीक है। और द स्टेट इज प्रिपेयरिंग टू सेंड प्रपोजल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, को प्रपोजल सेंड करेगी कि 4 वेटलैंड जो बिहार से हैं वो रामसर साइट्स में कंसिडर किया जाए। काफी काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो वो 4 कौन कौन से है, तो उदयपुर लेक है जो सिचुएटेड है वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, फिर विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिर गोगा बिल लेक है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, गोकुल रिजर्वॉयर है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 4 वेटलैंड्स को मेनली बिहार गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा जाएगा और वहां से निरीक्षण करने के बाद में उनको रामसर जो साइट्स होते हैं, रामसर कन्वेंशन, उसमें वो भेजा जाएगा और वहां से अप्रूवल मिलेगा। और एट प्रेजेंट जो है कांवर ताल लेक जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, वही इकलौता रामसर साइट है बिहार में। ये जो है बेसिकली एक ऑक्सबो लेक है, ठीक है, ऑक्सबो लेक है। रामसर साइट्स बेसिकली होता है क्या, तो रामसर साइट आर डिक्लेयर्ड वेटलैंड्स दैट मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। वहां पर अगर इंडिजिनस स्पीसीज की या फिशेस की, बर्ड्स की पॉपुलेशन अगर रहती है तभी ये दिया जाता है। और अगर रामसर साइट बना दिया जाएगा तो फॉरेन कोलैबोरेशंस होंगे, फॉरेन फंडिंग होगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस वेटलैंड डेवलप हो जाएगा, उसके आसपास एरिया भी डेवलप होगा, टूरिज्म डेवलप होगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो यूनेस्को कंजर्व करेगा, प्रोमोट करेगा, ठीक है। और ये वेटलैंड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो वेटलैंड कॉन्फ्रेंस जो है रामसर ईरान में हुआ था। ईरान एक देश है, पता ही होगा, पाकिस्तान के पास में, तो वहाँ के एक शहर रामसर में 1971 में कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। और हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। और इसका जो थीम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 का जो थीम है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। तो थीम भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। और इंडिया में जो कितने वेटलैंड साइट्स हैं ये सारे भी पूछे जाते हैं। बिहार से जो है सिर्फ कांवर ताल जो बेगूसराय में वही है, ठीक है। तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं कि 21 चेक डैम्स विल बी बिल्ट इन पटना फॉर वाटर स्टोरेज। पता ही होगा बहुत समय क्या होता है, बिहार में पानी की कमी हो जाती है, इरिगेशन खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, और कभी ऐसा भी होता है जब बाढ़ आ जाता है, जैसे अभी मानसून के टाइम में वहां पर बाढ़ आ जाती है। तो इसको रोकने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, बाढ़ ना आए या सूखा ना पड़े, इसीलिए चेक डैम्स बनाया जा रहा है पटना में। इसको पहले बताया जा रहा था कि 90 चेक डैम्स बनाए जाएंगे, लेकिन 90 की जरूरत नहीं है, 21 चेक डैम्स जो है बन जाएगा। और चेक डैम्स बेसिकली छोटे छोटे डैम्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। तो टू कंप्लीट द मोस्ट चेक डैम्स भाई, और इसका एम रखा गया है 31 मार्च 2024, ठीक है। तो जब मैं मार्च वाला करंट अफेयर्स बताऊंगा उसमें मैं कवर कर दूंगा इसको। तो उसमें से 21 जो चेक डैम्स है उसमें 18 जो है वो मनरेगा के थ्रू बनेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू, और 3 जो है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के हेल्प से बनेगा, ठीक है। और एक चेक डैम्स बनाने के लिए मिनिमम एरिया जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है 1500 स्क्वायर फीट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मिनिमम एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है, तो 1500 स्क्वायर फीट। और ये ऑफिशियल्स कहते हैं कि एक चेक डैम्स बनाने में लगभग 9 लाख के आसपास एवरेज खर्चा पड़ेगा, ठीक है। और ये वही है मैं बता रहा था कि जब पानी की या बहुत लेवल कम हो जाती है या बाढ़ जैसे सिचुएशन हो जाती है, तो चेक डैम जो है इन दोनों को ही, बाढ़ और सूखा दोनों को ही कंट्रोल करके रखता है। और चेक डैम्स में पानी रहेगा तो जो आसपास के खेत है उसमें पानी, इरिगेशन फैसिलिटीज भी पहुंच सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चेक डैम्स बनाना। ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बड़े बड़े डैम्स से ज़्यादा अच्छा होता है चेक डैम्स बनाने का। चेक डैम्स में खतरा कम रहता है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बड़े डैम्स बहुत ज़्यादा, उसके अगर बेनिफिट भी है तो नुकसान भी है। चेक डैम से जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं चेक डैम्स और बड़े डैम्स में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं, वो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड टू टॉप 4 आर्टिस्ट ऑफ बिहार। 4 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको संगीत नाटक अकेडमी मिला है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये राष्ट्रपति से मिलता है, ठीक है। तो विज्ञान भवन दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ये ऑनर करता है, तो क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट नहीं थी इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड दिया था। और ये जो अवार्ड मिला ये टॉप सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट जो 75 साल से ज्यादा की एज है
उनको मिल रहा है ये, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो चार जो सीनियर आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर, सुमन कुमार, गणेश प्रसाद सिन्हा, रघुवीर मलिक एंड पॉपुलर फोक सिंगर भारत सिंह भारती, ये चार जो है इनको मिला है। भारत सिंह भारती के लिए स्पेशल कहा गया है, स्पेशल ऑनर मिला है, ठीक है। तो बिहार फोक सिंगर, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट, म्यूजिक गुरु जो भरत सिंह भारती है, उनको स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। उन्होंने भोजपुरी गीत में, भोजपुरी जो फोक सॉन्ग्स होता है उसमें 1000 से भी ज्यादा गाने लिख चुके हैं। और टू जो कलेक्शंस है सॉन्ग के, जैसे नयका बिहान एंड सप्त सरोवर, ऐसे गाने जो है उनका, वो भी अभी बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये चार आर्टिस्ट के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर आप इनके कभी कोई गाना सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 फॉर सितंबर मंथ, उसको जरूर देखिएगा। उसमें हम लोग फर्दर सितंबर महीने के न्यूज़ करंट इवेंट्स को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके डाउट सजेशन हो कह सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।